सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं चाचा के घर पे आया हूँ और आज हमारा प्लान बना है आइस स्केटिंग जाने का। तो मेरे साथ चीनू जा रहा है, विवेक जा रहा है और मुकुल जाएगा। आप भी चलो चाचा। बुखार दो दिन से गाइस, चाचा के ना भाई बहुत ज्यादा बुखार हो रखा है 2-3 दिनों से। दवाई ले लेके काम कर रहे चाचा। सो गाइस अभी ना भाई ड्रैगन भाग गया। ड्रैगन भाई बहुत बड़ा हो रखा है। कहाँ है ड्रैगन? ओ भाई नाले में गिर गया। पकड़ो इसको, पकड़ो। पकड़ लिया। सो गाइस ड्रैगन को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। 11 मुल्कों की पुलिस पीछे लगी हुई थी इसके और फाइनली हाथ में आ गया। ये बहुत बड़ा हो गया ये। गाइस ड्रैगन ना दिन पे दिन भाई खतरनाक होता जा रहा है। ये देखो गाइस थोड़ा सा पानी वानी गिरा रहे हैं इसके ऊपर। ये फिर भागने की तैयारी में है। सबको गंदा करेगा भी ये ड्रैगन। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तू भी चले गया आइस स्केटिंग करने? चल चलते हैं फिर। चाचा ये भी चलने की आ रही है। भाग गया फिर। ओ भाई दोबारा से भाग गया था, बहुत बिगड़ गया। चल चीनू चलते हैं आइस स्केटिंग करने। तू भी चलेगी? चलेगी। चाचा देखो इतनी प्यार से बोल रहे, भेज दो ना इसको। देखो भाई चाचा भेज नहीं रहे चिक्की को। बाय बाय चिक्की। चिक्की चाचा भेज दो, मैं नया यार भेज नहीं रहे अब इसको। कैसे चल रहा है? तो गाइस चिक्की भी आने की जिद कर रही थी बहुत ज्यादा। कह रही थी कि निक्कू भैया के साथ जाऊंगी, चाचा ने भेजी नहीं। कह रहे थे कि बर्फ में बीमार हो जाती है इसलिए नेक्स्ट टाइम कहीं और लेके जाएंगे चिक्की को। सो गाइस मुकुल भी आ गया है। आइस स्केटिंग करेगा, गिर तो नहीं जाएगा? सो गाइस विवेक भी आ गया है, चलते हैं। सो गाइस आज ना भाई रिया भी नहीं जाएगी साथ में, उसके ना 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं, तब के पढ़ाई करती है। वैसे ना मेरा काफी ज्यादा मन था काफी दिनों से कि भाई आइस स्केटिंग करेंगे, आज फाइनली करने जा रहे हैं। स्काई डाइविंग करने का भी बहुत ज्यादा मन है, तो आसपास कहीं भी हो ना कमेंट्स में बता देना, स्काई डाइविंग कर लेंगे गाइस अगले महीने ही। तू भी करेगा? क्यों नहीं करूंगा, तेरे को अलाउड नहीं करेंगे, अलाउड नहीं करेंगे ना इसको। तो गाइस अभी ना रास्ते में रुके हैं और मीठी लस्सी पी रहे हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो अभी लस्सी पी के सीधा चलते हैं आइस स्केटिंग। सो गाइस एम्बियंस मॉल में तो पहुंच चुके हैं और भाई बहुत ज्यादा भीड़ है आज। सो गाइस हम ना आधे घंटे से ऐसे ही घूमने जा रहे थे, सारी पार्किंग फुल थी और अभी फाइनली इस पार्किंग में घुसे हैं। इस पे भी भाग रहा है। सो गाइस ये देखो बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, तो मजा आ जाएगा ना। देखो पूरा जमा हुआ है, सॉक्स वगैरह पहन के रेडी होके इसके अंदर चलते हैं। वो एक बंदा तो चला भी गया। ओ भाई सो गाइस शूज तो मैंने पहन लिए हैं। सो गाइस निक्को अंदर जा चुका है अभी। भाई जाते ही गिरेगा। चीनू चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, एक बार कोशिश कर भाई। खड़ा भी नहीं हो जाए। ओ भाई पक गया। सो गाइस वो वाले जूते ना भाई बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे और अभी ये चेंज करवा के लाया हूं। और ये देखो भाई कितने पतले हैं, मतलब इस पे चलना होता है स्नो पे, इससे स्केटिंग करनी होती है। लगता है फ्रैक्चर हो गया पैर में, गिर गया भाई। जब निक्कू को लेके जा रहे हैं तो भाई पैर मुड़ गया उसका। निक्कू क्या हो गया? पैर मुड़ गया है। अभी भी चक्कर आ रहे हैं यार। तो गाइस दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे तैसे करके ना ऊपर आ गए और अभी खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है। तो गाइस अभी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवाने के लिए। ओ भाई तो गाइस ये ना ट्रेनर है यहाँ के, अभी देखना। ओ भाई ओ उल्टे चल। ओ मजा आ गया भाई। तो गाइस आइस स्केटिंग के बाहर से तो आ गए हैं। गाइस मैं ना थोड़ा एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ऐसे बैठे रहना एक जगह। गाइस मेरा पैर ना भाई पूरा पीछे की तरफ मुड़ गया था और वहाँ पे जो भी देख रहे थे ना मतलब सब आ गए थे। एक बंदा बोला भाई बढ़िया मुड़ गया। सो गाइस चोट तो भाई बहुत गंदी लगी है, फिर भी मॉल घूम रहा है पूरा। तो गाइस मॉल में तो पूरा घूम लिए हैं, अभी पार्किंग में आ गए। हाँ आप अभी भी व्लॉग बना रहे हो चोट लगने के बाद भी? चोट लगने के बाद भी व्लॉग बना रहा हूँ। निक्कू व्लॉग्स, चोट लगने के बाद भी मैं झुकेगा नहीं।
गाइस अभी 10:30 बज चुके हैं और चाचा के घर पे आए हैं चीनू को छोड़ने। वैसे तो गाइस 7 बजे ही आ जाते हैं। क्यों पैर से चला ही नहीं जा रहा, बस हिलाया भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, पता बुरा हाल कर लिया तो इसके बारे में डर था मैंने। ये किस हट जाता है, इसको कुछ नहीं हुआ, मेंटल हो गया तेरा। तो गाइस चीनू को तो घर पे छोड़ दिया है, अभी ना मैं सीधा घर पे जा रहा हूँ, पापा को बिठा के सीधा चलेंगे हॉस्पिटल में। तो गाइस पापा तो बाहर ही खड़े हैं। तो गाइस विवेक को यहीं पे छोड़ रहे हैं और भाई आज विवेक ने बहुत हेल्प करी मेरी। तो गाइस हॉस्पिटल के बाहर तो आ चुके हैं फाइनली। तो गाइस घर पे तो पहुंच चुके हैं। जो जो हाँ भाई, जो जो कहाँ लगी भैया, कैसा है? बस अच्छा, पैर मुड़ गया आज मेरा पूरा। लापरवाही कहाँ करी चाचा मैं। तो गाइस डॉक्टर ने ना एक्सरे किया था मेरा, ये बताया कि भाई हड्डियाँ ठीक है, मसल्स वगैरह की इंजरी है। तो भाई चेंज तो मैंने कर लिया है, ये देखो भाई ये पट्टी बांधी थी आइस स्केटिंग वालों ने। गाइस उन्होंने ना भाई बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करी मेरी, अच्छे तरीके से केयर करी। सो गाइस मम्मी तो खाना लिया है, वो नहीं लाए हल्दी का दूध, ये खा पहले खाना फिर खाना खाने के बाद। और गाइस अभी खाने में ग्रेवी चाप रोटी और सलाद। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ और गाइस खाना खाने के बाद ना हल्दी का दूध पियेंगे। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया है और गाइस मम्मी अभी दूध ले आई है हल्दी वाला। बर्फ की सिकाई कर ले। बर्फ की सिकाई? तो मम्मी ना सुबह बर्फ की सिकाई कर देगी, डॉक्टर ने भी बोला है बर्फ की सिकाई करने के लिए। बचकर आ गए, पता नहीं क्या होनी थी, किस मोटर गई। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सोने और भाई जो जो भी मेरे साथ ही सोएगा। हाँ क्या हो जो क्या हुआ। सो गाइस हल्दी वाला दूध तो मैंने पी लिया है और अभी मैं रूम में आ गया हूँ। और गाइस आज आइस स्केटिंग करने गए थे, 45 मिनट का सेशन होता है वो, एंड के 3 मिनट बाकी थे, मतलब 42 मिनट हम कर चुके थे, उन्हीं 3 मिनट में मेरे साथ ये सब हो गया। मतलब भाई मैं स्टार्टिंग में थोड़ी आराम से चला रहा था क्योंकि मेरे को चलानी नहीं आ रही थी, पर आधे घंटे में ना मैं बढ़िया सीख गया था और बढ़िया तेज तेज चला रहा था। अचानक एक बंदा बीच में आ गया, मेरी तरफ ही आ रहा था स्पीड में और मैं भी स्पीड में था, और जैसे ही मेरे पास आया ना मैं कट मार के निकल गया, आगे जाके मैं कंट्रोल से बाहर हो गया। और गाइस वहां पे ना मेरा पैर पूरा 180 डिग्री से ज्यादा घूम गया था। एक टाइम पे तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरा पैर गया, मतलब ही नहीं हो रहा था कि भाई मेरे पास पैर भी है। वहाँ पे बाउंसर आए और मेरे को उठा के लेके गए। और गाइस ये सब होने के बाद पहले हमने वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद सीधा बहादुरगढ़ आके मैं हॉस्पिटल में चला गया पापा के साथ। डॉक्टर ने एक्सरे किया, पैर की हड्डियां वगैरह सब ठीक है, बस मसल इंजरी है थोड़ी सी जो कि ठीक हो जाएगी। सो गाइस अभी मैं थोड़ा थोड़ा चल फिर रहा हूं, वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं मुझे। गाइस अभी ना ऊपर वाला रूम मेरा तैयार नहीं हुआ, थोड़े दिनों में वो भी तैयार हो जाएगा और फिर उसमें ना गेमिंग सेटअप वगैरह सब कुछ लगा लेंगे। सो गाइस अभी ना 1:30 बजने वाले, अभी तो मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा, एडिटिंग खत्म होने के बाद जाके आराम से रेस्ट करूंगा, आराम से सोऊंगा, आज ना जो मेरे साथ ही सोएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।